जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बच्चे लोग तो नौ बच्चे लोग, ये इस काल कोरोना काल बहुत ही विकराल होते जा रहा है, जिसका कोई सीमा रेखा नहीं है। ऐसे सरकार की तरफ से उम्मीद था 31 जुलाई से इंस्टीट्यूट सब ऑन हो जाता, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस गति से कोरोना फैल रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है प्रशासन सबको, अब हमें नहीं लगता है कि 31 जुलाई के बाद भी कोई डिसीजन ले सकता है, खास तौर से शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए। इसीलिए आप लोग को भी कहेंगे, पहले तो कुछ नहीं हुआ था, लॉकडाउन में जितना आप सतर्कता बरते थे उससे कई गुना ज़्यादा अब आप लोगों को सतर्कता बरतते हुए रहना पड़ेगा, क्योंकि चप्पे चप्पे में फैल रहा है अब। इसीलिए अब आप लोग को और बच के रहना पड़ेगा। प्लीज, थोड़ा दिन की बात है, दुख का थोड़ा ही दिन होता है, उझेल लीजिए घर में रह कर के, उसके बाद में ज़िंदगी में सुख तो आएगा ही, समय लौट के आएगा ही। इसीलिए हम कहेंगे, अब कहीं बाहर मत निकलेगा, जो भी फ्रेंड सब आप के यहाँ आते थे, आप जाते थे, वो बंद कर दीजिए, कुछ दिन के लिए नॉर्मल स्थिति होने दीजिए, तब तक आप मन से पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, ये मैं आप लोग का फ्री क्लासेस शायद लास्ट चैप्टर दे रहा हूँ, उसके बाद में ट्वेल्थ में आप लोगों सोच रहे हैं अपने आप को, सिस्टम को तैयारी करने में भिड़े हुए हैं, अगर हो जाएगा तो ऑनलाइन ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट कर देंगे। बट चिंता की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास में एंड्रॉयड सेट मोबाइल नहीं है या स्मार्ट मोबाइल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, जब ऑफलाइन होगा तो जो टॉपिक ऑनलाइन पढ़ा देंगे, और जब फिर ऑफलाइन होगा, जब क्लास खुलेगी, तो वो सब स्टूडेंट को फिर से स्टार्ट करेंगे, और जो ऑनलाइन जहाँ से पढ़े होंगे वहाँ से मैं आगे उस टॉपिक को लेके चले जाऊँगा, तो दो ढंग का बैच हो जाएगा। एक जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे वो पीछे पीछे चलते रहेंगे, और एक आप लोग जो ऑनलाइन वाला बैच के स्टूडेंट होंगे आगे आगे चलते रहेंगे, फर्क यही है। अब रही बात कि ऑनलाइन में भी अभी तो नहीं ट्वेल्थ स्टार्ट किए हैं, कुछ स्टूडेंट को अगर बाय द वे कोई भी तरह का दिक्कत होगा समझने में या जो भी कुछ करने में, तो ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है, तो इसलिए छूटेगा नहीं, ये मैंने सोच रखा हूँ। अब देखिए, वक्त ही बलवान होता है, अब क्या होगा कैसे होगा वो मैं आप लोग को VIPS प्राइम मेंबर में जो भी जुड़े हुए हो, ऐड किए हो, जो रजिस्ट्रेशन किए हो, उस पर मैं नोटिस करते रहूँगा। पॉइंट टू पॉइंट, हम लोग का विषय वस्तु का नाम है, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में आप लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हम सब अपने टिश्यू के बारे में नहीं पढ़े थे। अगर टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो एक पॉइंट बायोलॉजी का छूट जाएगा, भले ही आप अपने किताब से क्यों नहीं पढ़ लो, बुक से क्यों नहीं पढ़ लो, लेकिन
एक बार आपके कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी गुरुजी के द्वारा पढ़ना, उनके मुंह से सुनना और टॉपिक के बारे में जरूरी होता है, उससे जल्दी याद हो जाता है। पढ़े रहेंगे तो बेहतर याद हो जाता है रिवीजन के साथ में, और नहीं भी पढ़े रहेंगे तो आपको पढ़ने का इच्छा होगा और पढ़ जाएंगे, और सुने रहेंगे तो वो टॉपिक एग्जाम में कभी भी आएगा क्वेश्चन के रूप में, तो हमें नहीं लगता कि वो टॉपिक आप लोग से छूट जाएगा। खासकर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में तो आप लोग का वो लैंग्वेज जितना जिसका स्ट्रांग होगा वो अपने से अपने अंडरस्टैंडिंग से लिख सकता है, समझा रहेगा, सो याद करने वाला तो लिख ही लेता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी एक बार सुन लीजिए ना कि टॉपिक का, और हो सके ऑब्जेक्टिव एक बार बना भी लेंगे तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो आपके ब्रेन में स्टक करेगा कि नहीं इसका आंसर यही होगा, इसीलिए मन से पढ़ाई करिएगा। तो टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर का नाम है जिसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। चलते टिश्यू, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, बता चुके हैं, ओरिजिन सेम होते हैं, परफॉर्म सेम करते हैं, काम सेम करते हैं, पर टिश्यू के चारों बगल जो भी सब्सटेंस आते हैं, मतलब सेलों के बीच बीच में जो भी सब्सटेंस आते हैं, तो उस सब को भी टिश्यू के ही अंतर्गत रखा जाता है। तो इसीलिए इस बात को भी, इस डिफिनेशन को भी एक बार समझिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब समान सेल्स होना चाहिए जिसकी उत्पत्ति सेम होना चाहिए, एलॉन्ग विथ साथ ही साथ उसका इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में जो गैप रहेगा उस गैप में जो भी पदार्थ रहेगा तो उस पदार्थ लगा के भी ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यू। परफॉर्म करवे करेगा खास फंक्शंस को, उसी को टिश्यू कहते हैं। कम टू पॉइंट, अब हम लोग के शरीर में टिश्यू तो पांच होते हैं, बट एनसीईआरटी में चार टिश्यू, चूंकि वैस्कुलर टिश्यू को लपेट लिया कनेक्टिव टिश्यू में, तो चार टिश्यू होते हैं। इपिथेलियम टिश्यू, हम लोग के बॉडी में चार टिश्यू होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। नौ बच्चों याद करो, मेरा लाइफ और आपका लाइफ स्टार्ट हुआ था एक ही सेल, सिंगल सेल, उस सेल का नाम क्या था, जायगोट। समझ गए, वो जायगोट में रिपीटेड कौन सेल बन हुआ था, माइटोसिस। उसके परिणाम से रिपीटेड माइटोसिस से परिणाम से क्या बना था, इम्ब्रियो। अब इम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स था, अब वो सेल्स सब अपना अपना उत्पत्ति वहां से ग्रुप में अरेंजेड हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू से मिल जाता है बहुत सारे तो क्या बनता है, ऑर्गेन। अब जैसे देखिए ना, मेरा हाथ है या आपका हाथ है, ये जो मेरा हाथ है इसमें भी चार टिश्यू है। अगर हाथ को एक ऑर्गन मानते हैं, ऐसे तो अपेंडेजेस होते हैं, ऊपरी अंग कहते हैं, उपांग कहते हैं, लेकिन अगर मानेंगे ऑर्गन तो इसमें भी चार टिश्यू है, उसे पांच वैस्कुलर टिश्यू लगा के पांच टिश्यू। आप इंटरेस्ट लीजिए कोई भी बॉडी पार्ट्स, आपका बॉडी पार्ट्स का कोई भी ऑर्गन्स क्यों नहीं हो, ऑर्गन्स बने होते हैं चारों टिश्यू से, एक जोड़ देंगे तो वैस्कुलर हो जाएगा तो पांचों टिश्यू से। अब कहेंगे वो कैसे, तो मेरा हाथ, अब हाथ का जो स्किन है, कवरिंग लेयर है, ये इपिथेलियम टिश्यू है। अब स्किन जुड़ा है मसल से, अब मसल से जुड़ा है बोन से, अब बोन खुद कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद मसल से मस्कुलर टिश्यू,
और छूते हैं, टच करते हैं तो पता चलता है, दैट इज नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। यस, मेरे नाक में भी, यस बच्चों। तो बॉडी का कोई भी ऑर्गेन क्यों नहीं हो, उसमें चार टिश्यू रहवे करता। ब्लड तो है ही, वैस्को टिश्यू तो है ही, ब्लड, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये हम लोग का बॉडी का है, आपका भी बॉडी का है, याद कर लीजिएगा। कोई बच्चा भी अगर बाय द वे कभी भूल चूक से पूछ दे, और आप इतना मैच्योर्ड हो गए, इतना अपर क्लास में जाने के बावजूद अगर नहीं बोल पाते हैं, तो कितनी शर्म और बेइज्जती की बात होगा। इसीलिए याद होगा ही, हमको मालूम है, लेकिन जिसको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। नाउ काउंट टू पॉइंट, वन बाय वन। एपिथेलियम टिश्यू कवर करता है बॉडी का कोई भी पार्ट्स को, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। अब कहे अंदर बाहर कहाँ, अब आपका ये पार्ट भी एपिथेलियम और अंदर का पार्ट भी, ये पार्ट भी एपिथेलियम, नाक का ये पार्ट भी एपिथेलियम और अंदर वाला पार्ट भी चारों बगल से एपिथेलियम कवर करता है एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू कॉमनली कॉल करते हैं एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल को एपिथेलियम भी कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ हैज फ्री सरफेस, माने कोई भी ऑर्गेन का जो फ्री सरफेस है, सतह वाला सरफेस, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, चाहे आउटसाइड से हो इनसाइड हो, या बॉडी में फ्लूड भी भरा रहेगा, अब सिर्फ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर वाला भी लेयर, अब ब्लड वेसल्स के बाहर वाला भी लेयर, मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट्स चारों भाग से ढका हुआ है एपिथेलियम टिश्यू से, याद कर लीजिएगा। सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर कंप्लीटली पैक्ड विथ लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियम टिश्यू के सेल सब मोस्टली पैक्ड रहता है, अगर गैप भी रहेगा तो बहुत ही कम मात्रा में सेल के बीच में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स रहेगा, मतलब दो सेल के बीच में जो थोड़ा सा गैप हो जाता है, यहाँ पर देखिए गैप हो जाता है, उसमें जो केमिकल भरा रहेगा इंट्रासेलुलर, वो बहुत लिटिल रहेगा, नहीं के बराबर, नहीं समझिए ना, नहीं के बराबर। ये एपिथेलियम का कैरेक्टर है। एपिथेलियम का भी दो प्रकार होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड या स्टेटेड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, नेम से स्पष्ट है। अगर एक ही लेयर से बना रहेगा, सेलों के एक ही लेयर से बना रहेगा, तो उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम कहेंगे, एक ही लेयर रहेगा, दो लेयर नहीं, सेल का एक ही लेयर। अब एक लेयर, एक लेयर, एक लेयर, एक लेयर सेल का, ये सेल हुआ, सेल हुआ, सेल हुआ, एक लेयर, तो सिंपल हो गई। अगर अनेकों लेयर रहेगा, ये एक लेयर हुआ सेल का, दो लेयर हुआ सेल का, तीन लेयर हुआ सेल का, चार लेयर हुआ सेल का, पांच लेयर हुआ सेल का, तो अनेकों लेयर रहेगा सेल का, लेयर लेयर, तो उसको कहा था कंपाउंड। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल सुनना जरूरी। एपिथेलियम का दो प्रकार, सिंपल एंड कंपाउंड, नाम से स्पष्ट है। नाउ सिंपल, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एक ही लेयर से बने हैं, ये तो समझ गए, कंपोज्ड सिंगल लेयर। अब क्या, सेल्स से फंक्शन करेगा, इसका काम होता है मेनली लाइनिंग करेगा बॉडी, कैविटी कब, डक्ट को, ट्यूब्स को, सरफेस को। पेट स्टोमेक के अंदर में कैविटी है, तो कैविटी है उसके चारों बगल, डक्ट नली है, ब्लड वेसल्स है, ट्यूब्स, वाइंड पाइप है, ऑसोफेगस है, ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकी है, सेकेंडरी ब्रोंकी है, तो मेन लाइनिंग करता है, कवर करता है। और भी काम है, एब्जॉर्प्शन करने का भी, मूवमेंट करने का भी, चूँकि सीलिया भी होते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर ये सब काम होता है लाइनिंग करने का।
ये मेन काम हो। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन के आधार पर तीन भाग बांटा गया, मतलब एक लेयर का जो लेयर का जो एपिथेलियम टिश्यू है सिंपल, उसका भी रूप बदल गया। तो जो रूप बदल गया उसके आधार पर तीन प्रकार के हैं, वो तीन प्रकार के नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वामस चपटा चापत सेल से बना रहेगा, तो स्क्वामस कहते हैं। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल से बना रहेगा, क्यूब लाइक सेल से। अब क्यूब जानते होंगे ना, ऐसे क्यूब हो गया, और नहीं जानते तो ऐसे बनाते हैं क्यूब हम लोग। क्यूब लाइक सेल से बना रहेगा, एक ही लेयर रहेगा तो क्यूबॉइडल, और लंबा लंबा सेल रहेगा, सेल सब लंबा लंबा पिलर लाइक लंबा तो कॉलमनर। तो एपिथेलियम कवर करने वाला शरीर का टिश्यू है, कोई भी बॉडी पार्ट्स कवर रहता है एपिथेलियम टिश्यू से। एपिथेलियम टिश्यू का दो प्रकार होते हैं, सिंपल एक लेयर कंपाउंड, अनेकों लेयर मैनी लेयर। सिंपल का मॉडिफिकेशन आधार पर तीन प्रकार, स्क्वामस क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग जानेंगे। स्क्वामस फ्लैटेंट चपटा चपटा सेल से इरेगुलर बाउंड्री रहेगा, चपटा सेल से बना रहेगा तो स्क्वामस कहते हैं। फाउंड इन वॉल कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि स्क्वामस कहाँ पाया जाता है, ये दैट्स क्वेश्चन। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स याद करना पड़ेगा, स्क्वामस कहाँ पाए जाते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स मतलब एल्वियोली सैक, हम लोग का लंग्स में जो एल्वियोली सैक यस एल्वियोली सैक ऑफ लंग्स, इसका काम क्या, डिफ्यूजन बाउंड्री होते हैं। अब ब्लड नली है, कैपिलरीज है, तो मटेरियल ब्लड से सेल में जाएगा और सेल का मटेरियल ब्लड में आएगा तो डिफ्यूजन किया। और यहाँ पर तो जानते ही हो ऑक्सीजन जाता है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं एल्वियोली सैक में। तो स्क्वामस एपिथेलियम का मेन बाउंड्री तो है ही है, बाउंड्री के साथ एक और काम होता है डिफ्यूजन करने का, आर पार करने का पदार्थ को, कहाँ रहेगा कहाँ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और एल्वियोली सैक, ये दो जगह याद कर लीजिएगा। वर्क किया है डिफ्यूजन बाउंड्री, बाउंड्री के साथ डिफ्यूजन करेगा। अगला देखते हैं क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल से बना होगा, सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, क्यूब लाइक सेल से बना रहेगा, सिंगल लेयर रहेगा, ये कहाँ रहेगा ये याद करना पड़ेगा, ये नहीं क्वेश्चन है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में दो पार्ट्स साहब, बोमेंस कैप्सूल एंड बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबल्स। तो बॉडी ऑफ रीनल ट्यूबल ट्यूब था तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मेरेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम चारों बगल से, और ग्लैंड जितने भी ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो डक्ट है उसमें रहेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसका काम क्या है, सेक्रेशन करने का, एब्जॉर्प्शन करने का, बाउंड्री के साथ साथ सेक्रेशन भी करता है एब्जॉर्प्शन भी करता है, इसका काम है सेक्रेशन करने का। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का वर्क किया है बाउंड्री के साथ, ये याद कर लीजिएगा। क्या वर्क है बोलिए, सेक्रेशन करने का एंड एब्जॉर्प्शन करने का। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में। स्क्वामस कहाँ पाए जाते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में और एल्वियोली सैक्स में। स्क्वामस का काम क्या था, डिफ्यूजन बाउंड्री था। स्क्वामस कैसे सेल से बने थे, फ्लैटेंड सेल से बने थे,
क्यूबॉइडल कैसे सेल से बने हैं? क्यूबलाइक सेल से। क्यूबॉइडल कहाँ पाए जाते हैं? डको ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में। इसका काम क्या है? सेक्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है। इतना याद कर लीजिएगा। कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट। अगला देखते हैं, कोलोमनर। लंबा लंबा सेल, सिलेंडर लेग सेल से बने होते हैं, लंबा लंबा सेल से, कोई नया बात नहीं। इसमें मैं न्यूक्लियस रहेगा बेस में, डैट में लंबा लंबा सेल रहेगा तो न्यूक्लियस रहेगा बेस में। फ्री सरफेस में माइक्रोविली में रहेगा, बिल्ली से भी छोटा होगा माइक्रोविली के फ्री सरफेस पर। स्टोमेक के अंदर में रहेगा, इंटेस्टाइन के अंदर वाला लेयर में रहेगा, याद करेगा, बिल्ली के फ्री सरफेस पर, स्टोमेक के अंदर वाला लेयर में और इंटेस्टाइन के अंदर वाला लेयर में लंबा लंबा सेल से बना हुआ सिंपल इपिथिलियम टिश्यू रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोलुमनर इपिथिलियम, याद करिएगा। काम क्या है? वही काम है जो क्यूबॉइडल का था, वही काम कोलुमनर का भी है। एब्जॉर्प्शन करेगा, सेक्रेशन करेगा। अब बचे लोग और भी होते हैं, सिलिएटेड। अगर लंबा लंबा में अगर सिलिया लग जाएगा, लंबा लंबा सेल में अगर सिलिया लग जाएगा तो सिलिएटेड हो जाएगा। कहाँ रहता है? तो मालूम ही है हम लोग का, ट्रेकिया में रहता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मॉडिफाइड है क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथिलियम टिश्यू का, सिलिएटेड, इसका भी बदला हुआ रूप है। सेल्स बियर सिलिया रहता है फ्री सरफेस पर, सिलिया रहेगा फ्री सरफेस पर। कहाँ कहाँ रहेगा? ट्रेकिया में, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और फीमेल सबके फलोपियन ट्यूब में। मूवमेंट मदर करता है, देयर फंक्शन टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। इसीलिए कुछ भी चला जाता है तो इसीलिए बाहर निकालते रहता है। यस बच्चे लोग, यहाँ पर जमा होता है तो किचकिच करने लगता है, खांसी होता है और फलोपियन ट्यूब में रहता है तो ओवम को आगे बढ़ाते रहता है, सिलियरी मूवमेंट में मदद करता है। अगला है एपिथेलियम, ग्लैंडुलर। जितने भी ग्लैंड्स है हम लोग के बॉडी में, जितने भी ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, सब यही होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, याद करिएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का भी ये क्यूबॉइडल और कोलुमनर का मॉडिफाइड रूप होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का काम जानवर सेक्रेशन करना होता है, बनाता है। कोई भी ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं तो उसको टिश्यू भी कहेंगे, लेकिन टिश्यू नहीं, क्योंकि उसका काम मेन होता है सेक्रेशन करने का, बनाने का, तो उसको ग्लैंड के रूप में संज्ञा देंगे, नाम देंगे। इसका भी दो प्रकार होते हैं, सिंपल ग्लैंड जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो हम लोग के एलिमेंट्री के नाम में होता है, जिसका नाम है गोबलेट ग्लैंड, जो म्यूकस निकालता है। अब बाकी कंपाउंड तो होवे करेगा, मल्टी लेयर ग्लैंड होवे करेगा, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होवे करेगा, जो सेलों का क्लस्टर होगा, समूह होगा, सेलेबरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड, कोई एक नहीं, बहुत सारे ग्लैंड। तो इसीलिए आप ग्लैंड का प्रकार भी पढ़ लेंगे। यूनिसेलुलर ग्लैंड में तो आ गया गोबलेट ग्लैंड, को पूछ देगा यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन है, तो गोबलेट ग्लैंड। क्या चीज निकालता है? म्यूकस। कहाँ पाए थे? एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा लेयर में, एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है आराम से। अब है मल्टी सेलुलर ग्लैंड में, तीन आएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट से कोई केमिकल निकालता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड था, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड था, सलाइवरी ग्लैंड हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, लीवर भी आते हैं, पैनक्रियाज भी आते हैं, तो ये सब ग्लैंड जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं।
लीवर, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को कहेंगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी, क्योंकि पेनक्रियाज का दो काम हो जाते हैं, पेनक्रियाज का दो काम हो जाते हैं, एक हार्मोन भी निकालना विदाउट डक्ट तो इंडोक्राइन हो जाएगा, और एंजाइम निकालना विथ डक्ट एक्सोक्राइन हो जाएगा। तो उसको मिक्स ग्लैंड भी कहेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे पेनक्रियाज को, छोड़ दीजिए तो सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज को हटा ही दीजिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सीबीएसएस ग्लैंड, पिंपल्स निकलता है, स्वेट ग्लैंड, पसीना निकलता है, कान में निकलता, सेरोमिनस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, चूँकि उसके पास में डक्ट होता है। तो कोई भी ग्लैंड जिससे केमिकल निकलेगा नली के द्वारा, या उसके पास नली होगा तो एक्सोक्राइन कहते हैं। और इंडोक्राइन तो आप लोग जान ही चुके हैं, बगैर डक्ट हार्मोन निकालेगा, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, थायमस है, इतना मेन था, अब बाकी सब तो मिक्स है। नाउ नेक्स्ट, ये स्क्वामस हो गया, ये क्यूबॉइडल हो गया, ये सिलिएटेड हो गया, सिलिया है यहाँ, इस सब में सिलिया लगा है, सिलिया है, ये क्यूबॉइड, ये कोलोमनर हो गया, टॉलसिल, कोई नई बात नहीं था। अब कंपाउंड को पढ़ लेते हैं, कंपाउंड इपिथिलियम बहुत सारे लेयर सेलों के लेयर से बना होगा, बहुत सारे सेलों के लेयर से बना होगा, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, बहुत सारे लेयर। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करने का, सेक्रेशन करने का, साथ साथ में बाउंड्री भी होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी करता है मैकेनिकल केमिकल स्ट्रेस से। हम लोग का स्किन का जो डाई सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, बकल कैविटी का, फायरिंग्स का, ये सब कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू से बने हुए, याद करना पड़ेगा आप लोगों कि कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारे लेयर से बने होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम फ्री सरफेस हम लोग का डाई स्किन के पार्ट में है, बकल कैविटी में है, फायरिंग्स में है, ऑसोफेगस के अंदर में लेयर में है, ये हो गया कंपाउंड। मल्टी लेयर सेल होते हैं, एक लेयर सेल, दो लेयर सेल, तीन लेयर सेल, चार लेयर सेल, पांच लेयर सेल, और होती होती स्किन के ऊपर का लेयर सेल डेड हो जाता है तो केराटिनाइज हो जाता है, और केराटिनाइज से ही बनते हैं जान, केराटिन प्रोटीन है हम लोग का बाल में, जर्म प्रूफ लेयर हो जाते हैं। अंदर वाले को सबस्ट्रेटम लेयर कहते हैं, यह वो कंपाउंड एपिथेलियम हो गया। तो एपिथेलियम खत्म, कोई नई बात नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब कुछ सही चीज, केवल एक बार आप लोगों रिमेम्बर करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा क्या क्या है। एक बार सुन भी लेंगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद हो जाता है, और किसी स्टूडेंट को याद नहीं होगा तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं कम कम ही, चूँकि ज़्यादा लंबा फाइल को अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत होता है, वाईफाई भी काम नहीं करते रहता कभी कभी, इसीलिए आज यहीं तक, कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट क्लास में। तो बस बच्चे लो आज यहीं तक, ज़्यादा नहीं पढ़ो, कम ही सॉलिड, खुश रहो, क्या बोलेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहो, कि स्वस्थ अभी रहना बहुत जरूरी, क्या बोलेंगे आप लोग, स्वस्थ रहेंगे।